आज हम बात करेंगे एलजी के फ्रिज की। तो एलजी का जो फ्रिज है 190 लीटर का है। फ्लावर प्रिंट इसका काफ़ी प्यारा है और एक टाइप से इसको ब्राउनिंग कलर बोल सकते हैं, विद हैंडल के साथ है, आप देख ही रहे होंगे। और न्यूली डिजाइन सीरीज है इंडिया के अंदर जो कंपनी इसमें बताती है। ये देखिए फ्रिज विद हैंडल हो गया है, लॉक सिस्टम के साथ हो गया है। इसके मैं आपको छोटे मोटे फीचर्स बता दूंगा बेसिक यूज़ के लिए। और पहले बता दूं कि ये कितने मेंबर के लिए यूजेबल है। कम से कम 2 से 3 मेंबर, मैक्सिमम 4 मेंबर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं इस फ्रिज को, क्योंकि ये 190 लीटर का है। तो बात करते हैं इसके पहले स्टिकर की। तो इसमें लिखा हुआ है फास्टेस्ट आइस मेकिंग, क्योंकि ये कूलिंग जब करता है तो इसमें फास्टेस्ट आइस मेकिंग होती है, इसकी ऐसी टेक्नोलॉजी है। अब बात करते हैं इसके स्टेबलाइजर बिल्टिंग की, यानी कंपनी इसमें लिख के देती है कि 135 से 290 वोल्ट तक ये वर्क करता है, यानी आपको इसमें स्टेबलाइजर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये इसका फ़ायदा है। अब बात करेंगे इसके इनर की, तो मैं आपको इसके अंदर का दिखा देता हूँ स्पेस। तो अंदर का अगर स्पेस देखेंगे तो ये इसका पूरा का पूरा फ्रिज भाग है, ये इसका आपका डोर का स्पेस है, ये डोर का स्पेस है। तो अगर मैं बात करूं इसके फीचर्स की, तो सबसे पहले इन्होंने दे रखा है फास्टेस्ट फ्रिज जोन, यानी कूलिंग सबसे हाई है। क्योंकि कूलिंग इसलिए हाई है क्योंकि इन्होंने 1 से लेके 7 तक की कूलिंग दे रखी है, यानी 7 टाइमर तक इसमें कूलिंग है। यानी अधिक ठंडक कम ठंडक, यानी आप अपने हिसाब से यहाँ से टेम्परेचर को कम ज़्यादा कर सकते हो जिस हिसाब से आपको कूलिंग चाहिए होगी। यहाँ पे इन्होंने बल्ब दे रखा है जो कि लाइट होती है, जो कि फ्रिज के अंदर की लाइट होती है। बात करूँगा मैं इसके फ्रीजर जोन की, तो फ्रीजर जोन में देखेंगे तो ये इसका फ्रीजर जोन है। मैं आपको क्लियरली अंदर तक दिखा देता हूँ ताकि आपको बाद में अगर आप परचेज़ करो तो परचेज़ करने से पहले आपको इस फ्रिज के बारे में प्रॉपरली जानकारी हो जाए। बात करता हूँ इसके चिलर बॉक्स की, तो ये इसका चिलर बॉक्स है क्विक कूलिंग जोन, यानी फॉर डेयरी प्रोडक्ट के, जितने भी आपके घर में डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए ये आपका चिलर बॉक्स होता है। इसमें आपके जितने भी डेयरी प्रोडक्ट है वो आ सकते हैं यहाँ पर। सेल्फ की बात करेंगे तो इसमें 2 सेल्फ आ रहे हैं जो कि एडजस्टेबल है। एडजस्टेबल इन्होंने इसलिए दे रखे हैं क्योंकि कभी भी कोई बड़ा बर्तन रखते हो, क्योंकि छोटी फैमिली है तो जैसे घर में फैमिली है, छोटी फैमिली, बच्चे वगैरह है, तो उसमें दूध वगैरह भी ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, बच्चों को दूध वगैरह पीना पड़ता है तो पतीले वगैरह बड़े होते हैं। तो उस कंडीशन में आप इसके जो सेल्फ है उस सेल्फ को भी एडजस्ट कर सकते हो, जो कि इन्होंने रैक दे रखे हैं, एडजस्टेबल रैक, ठीक है। टफ एंड ग्लास का है, कंपनी बोलती है इसमें कैरी हैवी लोड, यानी 175 केजी तक इसमें लोड आप रख सकते हो। तो कंपनी का ये टेस्टेड है कि इसमें आपका टफ एंड ग्लास है, इसमें एक टफ एंड टूटेगा नहीं, ये इसका फ़ायदा है। बात करता हूँ इसके अदर्स फीचर की, जैसे इन्होंने दे रखा है तो इसमें ये आइस क्यूब्स का फीचर दे रखा है, वो नॉर्मली मार्केट से आपको मिल ही आता है। ये इसका आपका वेजिटेबल है जिसमें इन्होंने लिख रखा है मॉइस्ट एंड फ्रेश, यानी कोई भी फ्रूट्स वगैरह रखते हो तो वो फ्रेश रहेंगे। डोर की बात करते हैं, तो डोर में एग के लिए अलग से ट्रे आ रखी है, ये सेल्फ छोटे छोटे 2 दे रखे हैं, और वाटर बॉटल के लिए 2 लीटर की और छोटी सॉसेस की बोतलें, और नीचे डबल लीटर की 2-2 बोतलें, यानी कम से कम 4 बोतलें यहाँ पे आप रख सकते हैं, ठीक है जी। अब बात करेंगे इसके ऊपर जो डोर है, डोर में इन्होंने ये पॉकेट हैंडल एक टाइप से दे रखा है, और जो ये गैस्केट होती है ये रिमूवल होती है। रिमूवल मीन्स जैसे ये डस्ट जमी है तो आप इसको निकाल के डस्ट को क्लीन भी कर सकते हो, ये इसका बेनिफिट है। अब हम बात करेंगे इसके वारंटी को लेके। कंपनी इसमें 1 ईयर की टोटल वारंटी देती है। सो आज मैंने आपको LG के 190 लीटर के बारे में बताया है, और मॉडल नंबर मैं आपको बता दूंगा। डेमो आपको कैसा लगा, डेमो बताइए, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।